दशा में ही रहे। ये पहली बॉल खेलने के प्रयास में चूके, अपील हुई वहां पर और ये बॉल इसको ऑन साइड में खेल दिया है। गेंद जा रही है स्क्वाड लेग बाउंड्री की तरफ, कोई मौका नहीं है, शानदार खेल दिया था। ये बॉल पटकी बॉल थी तो घुमा दिया, कोई मौका नहीं, गेंद जा रही है चार रन, खूब दूर शॉट पुल कर दिया। ये बॉल पटकी बॉल थी, बॉल हवा में इसको ड्राइव कर दिया, उसके पीछे दौड़ लगा तो एक्स्ट्रा कवर जिन पे बॉल जाती है और ये बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। ये बॉल और आउट, इस बार मारना चाहिए। डॉक्टर हेमंत खज्जा आउट होकर वापस आते हुए बोल्ड बाई डॉक्टर जितेंद्र यादव 10 रन बनाकर। ये बॉल इस बॉल आउट, वहां पर हद प्रभ रह गए, वहां पर डॉक्टर रमेश पटेल टप्पा खाने के बाद बिल्कुल यादव जबकि आउट होकर आ रहे हैं, यहां पर कुछ भी समझ में नहीं है, हद प्रभ रह गए थे वहां पर। इस तरह से ये दूसरा विकेट गिरा डॉक्टर अरविंद यादव के रूप में। अगली बॉल इस बार लेग स्टंप पर थी, उसको ग्लांस कर दिया है, बॉल जा रही है सीधा फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर पीछे दौड़ते हुए मगर बॉल हो। अगली बॉल इस बार हवा में शॉट है, फील्डर नीचे आते हुए का पतन होता हुआ और तीसरा विकेट जो आउट हुआ है वह बहुत ही बहुमूल्य विकेट कहा जाएगा। डॉक्टर रमेश पटेल 138 रन की शानदार पारी खेलकर अंततः आउट होकर। ये बॉल इसको ड्राइव कर दिया था, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, उसके पीछे दौड़ लगाते हुए और ये बॉल आउट, यहाँ पर बोल्ड हो गए। यहाँ पर बहुत अच्छी बॉल थी और ये पिछली बॉल पर चार रन पड़ा था, गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया, लेंथ में परिवर्तन किया और बिल्कुल मिडिल स्टंप गिरते हुए डॉक्टर प्रशांत वैश्या वापस आते हुए डग आउट के अंदर रन बनाने की हड़। डॉक्टर सोनू चौधरी और आउट, वहां पर एक और विकेट बैक टू बैक, एक अच्छी यहां पर जो एंड चेंज कर यहां पर डॉक्टर नेहरा आए थे, अच्छी बॉलिंग कंट्रोल बॉलिंग का जो मुजाहरा इन्होंने पेश किया और डॉक्टर जितेंद्र और ये आउट, इस तो एक कंफर्टेबल स्कोर के ऊपर रोकने में जरूर कामयाब हुई है टीम अजमेर। क्या कहेंगे दीपेंद्र, अटके ऊपर गीतांजलि यहां पर स्कोर बना लेगी। और यह है दूसरे पहले क्वार्टर फाइनल की दूसरी पारी की पहली। अगली बॉल इस बार हवा में शॉट गया से काफी दूर बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के लाई ओवर की पहली बॉल और उसको उन्होंने कट कर दिया है पॉइंट बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। अगली बॉल और इस बार उसको उन्होंने ऑन साइड में खेला है, खूबसूरत शॉट, बॉल जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, फील्डर पीछे दौड़ते हुए। अगली बॉल और क्लीन बोल्ड हो गए वहां पर डॉक्टर सुनील का, खेलने का प्रयास किया था और बॉल सीधा उनका ऑफ स्टिक पे जाके लगा, तो इस तरह से 32 रन पर यह है पहला विकेट आउट हुआ। और ये बॉल इसको मोड़ दिया था ऑन साइड के अंदर, उसके पीछे दौड़ लगाते हुए देखना और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर रुक पाती कि नहीं, गेंद जा रही थी मरे एक बार और ये बॉल फुल टॉस पर को उठा के खेल दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। ये बॉल और वहां पर बोल्ड हो गए जो बराबर थोड़ा सा मिस टाइम हो रहे थे डॉक्टर सुनील कसाना, अंततः ये पार्टनरशिप ब्रेक होती हुई जो कि 29 रन की यहां पर पार्टनरशिप थी एक अच्छी। अगली बॉल और क्लीन बोल्ड हो गए वहां पर, आप बॉल जब विकेट पे आ रहा है और क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो उस प्रयास में कई दफा अगली बॉल क्या है 6 रनों के लिए। अगली बॉल और इस बार उसको ड्राइव किया है, बॉल जा रही है डीप कवर बाउंड्री के बाहर और ये बॉल इसको खेल दिया है वहां पर कैच, बहुत बढ़िया कैच, जय भारत ने कैच पकड़ा, बहुत अच्छा कैच, नीचे गिर रहा था लेकिन पूरा कंसंट्रेशन के साथ में कैच पर दर्शनीय कैच और इसी के साथ आउट हो गए वहां पर।
और ये बॉल इसको उठा के खेल दिया है उसके नीचे आते हुए डॉक्टर हेमंत डीसीसी अजमेर। और यही क्रिकेट का उतार चढ़ाव होता है, स्थितियां किस तरह से बदलती हैं, किस तरह से यहाँ पर उतार चढ़ाव आते हैं, यही क्रिकेट है। और ये आगे निकल के उसको उठा दिया 6 रनों के लिए, कोई मौका। और अगली बॉल इसको मोड़ दिया था, फाइनल एक क्षेत्र के अंदर बॉल जा रही 4 रनों के लिए, खूबसूरत शॉट वहां पर आता हूं। और इसको उठा के खेल दिया है और बॉल जा रही है 6 रनों के। और ये बॉल आगे निकल कर ड्राइव कर दिया था। और इसी के साथ टीम गीतांजलि यहाँ पर